हाय एवरीवन, आज हम आपको लेके आए हैं गंगा की पावन नगरी बनारस में। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने होटल जो हमने बुक किया हुआ है, इसका नाम है कोस्टा रिवेरा। और यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं और ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये होटल कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम अंदर आ चुके हैं होटल के और होटल बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होटल में लाइटिंग भी बहुत ही बढ़िया की गई है। होटल बहुत ही प्यारा है और यहाँ पे ये लॉबी का हिस्सा है होटल के, जो कि रिसेप्शन के साइड में है, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं। तो आइए हम मैम से थोड़ा सा पूछते हैं कि इनका होटल कैसा है। देखिए, हमारी प्रॉपर्टी में लाइक आपको चीज़ें जो हैं, हाँ, बेसिकली सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक आप चाहे तो आप स्विमिंग पूल है, हाँ, जिम है, स्पा है, बार है, रेस्टोरेंट है, इवन वन रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है। रूम्स है टोटल डिफरेंट डिफरेंट, लाइक 4 कैटेगरीज ऑफ रूम, जिसमें लग्जरी स्वीट रूम है जो गेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि वो जो होता है वो बेस्ट फॉर टू है एंड काफ़ी स्पेशियस, अच्छा कंफर्टेबल। मॉर्निंग में बूफे लगता है, ब्रेकफास्ट में लगता है बूफे, जो कि इंडियन कॉन्टिनेंटल होता है। वो पर डे मेन्यू चेंज होता रहता है, मेन्यू फिक्स नहीं है, उसका चार्जेस फिक्स नहीं है। ओके, तो चेंज होते रहते हैं, रेट फ्लक्चुएटेड। इसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे कि हमें हमारा रूम मिला हुआ है, जो कि टॉप फ्लोर पे है। और यहाँ से नीचे का व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो ये देख सकते हैं आप। और ऊपर से लाइटिंग भी बहुत बढ़िया दिख रही है। तो ये हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि होटल बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आपको होटल में स्पा भी मिलेगा, साथ में जिम भी है और स्विमिंग पूल तो बहुत ही अच्छा है। तो जब भी आप बनारस आएँ तो एक बार इस होटल में ज़रूर स्टे करें। यहाँ का ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का वो भी बहुत अच्छा है, बूफे लगता है मॉर्निंग में। तो यहाँ का ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप होटल में ब्रेकफास्ट ना करके बाहर बनारस की गलियों में घूम घूम करके ब्रेकफास्ट करें। यहाँ का बाहर का ब्रेकफास्ट जो स्ट्रीट फूड का है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हम आ चुके हैं दीना चाट भंडार पे, जो कि 60 से 70 साल पुरानी दुकान है इनकी, चाचा की। और ये यहाँ पे बन रही है टमाटर चाट। और ये हम पहले गुलाब जामुन एक लिए हैं, तो टेस्ट कर रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बना है। तो ये लो जी भाई, ये आ गया हमारा टमाटर चाट जो हमने ऑर्डर किया था। तो ये देख सकते हैं आप टमाटर चाट कैसे ये बनाते हैं, कितना बढ़िया। इसमें ये डाली हमने चटनी और नींबू का रस ऊपर से डाला। और इनके अपने जो मसाले होते हैं, ये खुद इनके होममेड मसाले होते हैं, बाहर का ये कुछ नहीं यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितना बढ़िया। और इसमें जो उन्होंने डालमोट डाला हुआ है, ये भी इन्होंने घर पे बनाया है। तो ये आ गई हमारी स्पेशल टमाटर चाट भैया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और यहाँ का चूड़ा मटर भी बहुत अच्छा होता है। तो बनारस की गलियों में अगर आप जाएँ तो अपनी गाड़ी को, अगर आपने कार ले रखी है तो उसे पार्किंग में डाल दें, क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े से सकरे हैं। तो ई रिक्शा ऑटो से आप जाएं। और ये हम आ गए हैं वाइफ ऑन लीव रेस्टोरेंट में, जिसका एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रेस्टोरेंट का जो थॉट्स दिया गया है वो बीवी छुट्टी पर गई है, इसी के आधार पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा तरह से डेकोरेशन किया गया है। तो कुछ
अच्छी से अच्छी एंटीक पीस चीज़ें भी रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे सिलाई मशीन रखा गया है। तो भाई हमने स्टार्टर मंगाया है चिली पनीर, जो बहुत ही बढ़िया है। और ये आ गया हमारा खाना, जिसमें मिक्स वेज है, दाल है और गार्लिक नान है। ये है कलेजी पनीर, जो बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पे जो बिल आता है वो झटका के नाम से आता है। तो ये देखिए, ये है झटका, मतलब खाने के बाद आपको झटका लग जाए। उसके बाद हम आ गए हैं सिगरा पे, जिसका कि एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ का उत्तपम बहुत ही बढ़िया बनता है। कितना साल हो गया आपको लगाते हुए, बता दीजिए। नाम क्या है? मनोज शाह नाम है। तो ये आया आपका बढ़िया वाला अमूल बटर लगाते हैं। देखने में तो ये बहुत ही बढ़िया और लजीज लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। इसके बाद हम आ गए श्री राम भंडार, जो कि नदेसर पे है। यहाँ पे मिलती है पूड़ी, आलू चने की सब्जी, चटनी और जलेबी। इसके बाद हम आ गए कृष्णा पान भंडार पे। भैया बनारस आए और बनारस का पान न खाया तो फिर क्या खाया। तो ये देखिए, ये दुकान है बनारस की, बहुत ही फेमस, कृष्णा पान भंडार के नाम से। ये देखिए, ये डाल दिया भैया ने इस पे गुलकंद, इससे पान का स्वाद और बढ़ जाता है। यहाँ पे जर्दा जो है इनका खुद बनता है। 60 रुपए का पान है, 10 रुपए का। फिर आप कहेंगे कि ये हुआ असली पान। इलायची दाना डाल दिया ना सब में। तो ये लो भैया, आ गया हमारा पान गिलौरी चांदी के अर्क के साथ, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और एक पान 20 रुपए का मिलता है। तो लो भाई, हम तो खाने जा रहे हैं अपना पान। और वीडियो आपको कैसी लगी, ब्लॉग मेरा कैसा लगा, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये तो था भाई पार्ट 1। इसी तरीके से हमारा आएगा पार्ट 2 का ब्लॉग भी, जिसमें हम बनारस के घाटों और मंदिरों को एक्सप्लोर करेंगे। तो उसे भी आप देखना ना भूलें और वीडियोज़ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।